सतगुरु स्वामी 1008 बाबा तुलसीराम साहिब का 51वां वार्षिक उत्सव अजमेर में उनके निवास स्थान पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 जून से 21 जून तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष महोत्सव के अवसर पर रामायण का पाठ 19 जून बुधवार से शुरू हुआ। 21 जून को रामायण पाठ के समाप्ति होगी। तीनों दिन कीर्तन और भंडारा चलता रहेगा। बुधवार को वार्षिक उत्सव का झंडा चढ़ाया गया। इस मौके पर सिंधी समाज के कई गणमान्य लोग और महिलाएं उपस्थित रही। ओम बम वरुणाय नमो नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि नमः। आदिनाथाय नमो नमस्ते। ओम बम वरुणाय नमो नमः। जलप्रोक्षणम् ओमापोविष्टामयो भवस्थान ऊर्जे ददातनः महीरणाय चक्षसे जोवः शिवतमो रसश्च वाजयति नौसतीरिव मातरम् तस्मा अरंगमामोक्षदिनम् सर्वं यद्भूतं यद्भवाव्यम् स्वस्ति नोखाविस्वेदा स्वस्ति नक्षो वरिष्ठ नेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद स्वामरुता श्रीमातरः स्वभञ्जवान विदते भुजमाधिपतये नमः। सभी हाथ जोड़ करके सभी देवताओं को नमस्कार कर ले। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। शहनशाह बाबा तुलसी रामन साहब जी का 51वां वार्षिक उत्सव आज से ईसाई मौला दरबार में श्री कृष्ण तुलसी धाम में आरंभ हुआ। सुबह 9 बजे झंडा साहब का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद रामायण जी का अखंड पाठ और गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ साहब आरंभ होगा 11 बजे। बाहर से आए हुए महापुरुष, थोड़े शहर के महापुरुष आके इस उत्सव में शामिल हुए और सारी साध संगत सिख प्रेमी सब आकर गुरु के चरणों में आकर पहुँचे हैं। ये 3 दिन उत्सव चलेगा। आज 19, 20 और 21 तारीख बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भोग साहब पड़ेगा, भंडारा साहब होगा। आप सभी आके बाबा तुलसी रामन साहब जी के वार्षिक उत्सव में आनंद प्राप्त करें।
स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।